भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के अपने घोषणा पत्र में बिना फ्रेम का रंगीन चश्मा चढ़ाकर के लोगों को भ्रमित करने का कार्य किया। उन्होंने कहा था कि भाजपा अनुतोध्या के सिद्धांत के अंतर्गत जो लास्ट पायदान पर जो इंसान होगा हम उनको न्याय दिलाने की गारंटी सुनिश्चित करेंगे, जो कि ऐसा नहीं किया। उन्होंने 2014 के घोषणा पत्र में ये भी कहा था कि जो अनुसूचित जाति के लोग गवर्नमेंट की सुख सुविधाओं से वंचित रह गए हैं हम उनको न्याय दिलाने का भी कार्य करेंगे। और जो उनकी आबादी के अंतर्गत जो उनका हक बनता होगा उनको हम आरक्षण देने का भी काम करेंगे। 2014 के घोषणा पत्र में उन्होंने तीसरी बात एक और कही कि जो छुआछात के पेट में जो लोग पीड़ित हुए हैं, जिनको सामंतवादी के सोच रखने वाले लोगों ने ठोक ठोक करके दूर किया है, नज़रअंदाज किया है, हम उनको लोगों के बराबर लाने के लिए मजबूती देंगे, बराबर लाने का काम करेंगे और उनको अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए सब कामों से हर प्रकार से उनको विकसित करने का काम करेंगे, क्योंकि नहीं। फिर उन्होंने एक बहुत बड़ा छलावा दिया, क्या छलावा दिया कि हम अनुसूचित जाति के लोगों के लिए SC आयोग बनाएंगे। उस आयोग के अंतर्गत अब सभी हम न्याय दिलाने का कार्य करेंगे, जो कि वो बात निराधार साबित हुई। उन्होंने आयोग के नाम पर एक छत के नीचे SC आयोग का चेयरमैन भी बैठा दिया, OBC आयोग का चेयरमैन भी बैठा दिया, उनके पास मेज भी अच्छी नहीं, एक खाना पूर्ति करके ये कहा। ये जो मैंने पहले बोली तीन बातें उनका तो नाम तक जिक्र तक नहीं, लेकिन चौथी बात मैंने बोली कि आयोग तो बना दिया लेकिन पावर उनको नहीं दी। श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल में अनुसूचित जनजाति के लोगों को प्लाट मिलते थे, जो OBC के अंतर या बिना OBC के भी किसी भी जाति का आदमी हुआ उसके पास प्लाट की आवश्यकता हुई तो प्लाट मिलता था। इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को बड़े लाभ मिलते थे, श्रीमती इंदिरा गांधी का 20-point प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को बड़ी सुख सुविधाएं मिलती थी। आते ही भारतीय जनता पार्टी में अपने कार्यकाल में ऐसे लोगों का मूर्ख बनाना चालू किया, ऐसे सख्त से सख्त कानून बना दिए कि लोग कोर्टों के चक्कर में, कचहरियों के चक्कर में, तहसीलों के चक्कर में ये घूमते फिरते रहे। 10 साल में किसी का कुछ बना तक नहीं, किसी के पास कोई मकान बनाने का कोई ग्रांट नहीं आया। कोई ग्रांट आया हो भाई वाल्मीकि या भाइयों, किसी को प्लाट नहीं मिला। कागजों में ही एक स्पीड से हम कर रहे हैं, करेंगे, हमें इतने आवास बना दिए, हजारों लाखों बना दिए हैं, उनकी बातों केवल किताबों में ही, टीवी पे ही, डिबेट पे ही,
जल्फों में ही उस रमलू की तरह क्या क्या बात करें लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के सामने। मैं इसलिए बैठ दे रहा हूँ, मेरी बात जुटाने वाले नहीं हैं पत्रकार छायाकार साथियों। मैं आप लोगों के स्वास्थ्य की लंबी आयु की कामना करता हूँ। मेरे बयान ये अपनी लेखनी के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से ये बात करें। लोग बदलाव चाहते हैं, इस सरकार को चलता करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी को लाना चाहते हैं और एक बहुत बड़ा लड़ाई लड़ने वाला उम्मीदवार राकेश कामोज के नाम से है, मेरा परखा हुआ है। इनके पिता श्री को मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, शिक्षा मंत्री। इनके दादाजी को जियालाल जी को मैं भलीभांति जानता हूँ। कामोजों का बहुत अच्छा चौधरी रहा है और मैंने उस हल्के से रादौर से जहाँ के ये हैं रादौरी गांव के हैं, मेरी 40 साल पॉलिटिक्स रही है और बड़ी धमाकेदार पॉलिटिक्स रही है। मैं बनता रहा वाल्मीकि, मैंने सबसे पहले बताना चाहिए था, मैं XMLA भी हूँ और अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। इसलिए मैं आह्वान करने के लिए आया हूँ दलित समाज के लोगों को कि आने वाली 5 तारीख को निर्भीक निडरता से आज के सामने वाला बटन दबा करके भारी मतों से जिताने का कार्य करना। मैं हरियाणा प्रदेश में जा रहा हूँ, प्रचार प्रचार के रूप में काम लिया जा रहा। अभी मैं सोनिया गांधी के मंच पर था जुलाना में, दीपेंद्र जी मेरे साथ ही थे, मैं उनके साथ था। मनोज जी प्रोग्राम से मैंने टेलीफोन किया, मनोज जी ने टेलीफोन उठाया। मैंने कहा कि जब मैं आसन के आसपास से चल रहा था कि मेरी प्रेस का इंतजाम करें, यहाँ के पत्रकार बड़े मधुर बड़े सोच रखने वाले अच्छी सोच के प्रतीक हैं और आपके बुलावे पे आ जाएंगे। पत्रकार भी चाहते हैं कि इस राज को चलता किया जाए, इससे हर आदमी दुखी है परेशान है, कर्मचारी दुखी है, किसान दुखी है। किसानों के 750 के करीब किसानों की हत्याएं की हैं, कोई उनकी बात सुनने के लिए नहीं आया। किसान मजदूर दुकानदार कर्मचारी अधिकारी का चोली दामन का साथ है, एक दूसरे का रिश्ता है। किसान के खेत खलिहान में कुछ होगा तो पक्षी के घोंसले में भी दाना धुन का जाएगा, तो किसान की कमर टूट गई तो मजदूर की उससे पहले टूट जाती है, दुकानदार की उससे पहले टूट जाती है। तो ये मेरा वर्षन जो था ये बताया है, अगर गरीब लोग 85% लोग वो गरीब जनता ग्रामीण अंचल में रहती है, उनका अगर भला चाहते हो, अपना भला चाहते हो, न्याय चाहते हो, सारा कुछ जो ना कि शिक्षा के ऊपर ले लीजिए। सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पे हैं, नहीं भर्ती नहीं की कुछ नहीं की, 2 लाख लोगों ऐसे पड़े, 2 लाख भर्ती करने का वायदा किया है माननीय चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुडा ने, प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, कांग्रेस हाईकमांड ने। भैया हमारी सरकार आती है 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, इलाज के लिए 25 लाख रुपये का प्रावधान रखा है, 6,000 पेंशन का प्रावधान रखा है, दिव्यांग लोगों को 6,000 पेंशन का प्रावधान रखा है, वीडियो को 6,000 रुपये पेंशन का प्रावधान रखा है। और इतना ही नहीं, जो किचन में काम करती है महिला किसी भी जाति की क्यों ना हो, उसको 2,000 रुपये देने का भी प्रावधान रखा है। आप पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, क्या पोजीशन कांग्रेस की क्या बनेगा? एक तरफा माहौल है, एक तरफा 65% सीटें आएगी। मैं 100 रुपये के सर्टिफिकेट पे एफिडेविट दे सकता हूँ, स्टाम्प पे।
बोलिए आप क्या पूछना चाह रहे हैं। प्रदेश में कांग्रेस की क्या पोजीशन है, कितनी सीटें लेने का? 65% सीटें मैं 100 रुपये का स्टाम्प लिख के दे सकता हूँ, एक तरफा है, और 70 भी हो सकती हैं। लगता है क्या है कि जनता की उम्मीदों पर बीजेपी खरा नहीं कर पाई? नो, मैंने क्या कहा है, बिना प्रेम का रंगीन चश्मा चढ़ा के ही, केवल टीवी पे ही, केवल कागजों में ही, केवल अपने दफ्तरों में ही, अपने दफ्तरों को 5 स्टार भी उनके सामने फीका है, कहीं उन्होंने किसी के दुख सुख नहीं पूछने की बात नहीं की। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता जो है बीजेपी में शामिल हुए, क्या फर्क पड़ेगा चुनाव में? कौन से नेता हुए सामने, कौन सा बड़ा नेता है बताइएगा आप? हरियाणा में किसी जिले की बात पूछिएगा, किसी हलके की बात पूछिएगा, मैं हर हलके के 5-4 आदमी बताने का। ये कुछ साथी मेरी इसलिए परवाह नहीं कर रहे थे कि मैं वाल्मीकि समुदाय से हूँ, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का, मैं 2 बार विधानसभा में रादौर क्षेत्र से रहा हूँ, मैं 1 बार कहा करता था किसी भी अफसर से, दोबारा में कहा नहीं करता था, और उससे पूछता था अधिकारी से कि काम करके मुझे रिपोर्ट देना, और देते थे। सरकार जो है वो बताओ कौन सा गया है कांग्रेस का टूट के? भाजपा सरकार एक दावा कर रही है कि आगामी जब भी सरकार बनेगी तो जो डिप्राइव सेक्शन है उनको नौकरियों में प्राथमिकता मिलेगी, इस बारे में आप क्या कहेंगे? हमारा, मेरी बहन मेरी उम्र से बहुत छोटी है, मेरी बेटी के बराबर है, हमारा एक हरियाणा में एक मिसाल प्रचलित है, पत्या ना पत्या हुआ अपनी ऐसी तैसी करावा है, 10 साल में नहीं उन्हें कुतिया देंगे कोई, क्या विश्वास करोगे जब 10 साल में कुछ दिया ही नहीं? तो जनता दुखी होकर इसीलिए बदलाव चाहती है। यू आर राइट, आई एग्री। अभी नैब सिंह सैनी को जिस तरीके से मनोहर लाल खट्टर को बदल के नैब सिंह सैनी को रखा गया, ये ओबीसी समाज की वोटें लेने का है या क्या, क्या कहेंगे? केवल और केवल एक छलावा देने के लिए, वोटा लेने के लिए, कुछ नहीं है, हम हरा रहे हैं उनको। अभी मेरे गाँव, अभी मेरा 6 बजे से प्रोग्राम है, मकौली जाटान में प्रोग्राम है, और मेरा प्रोपर भाभैन में है, मेरे प्रोग्राम लगे रहते हैं, 30-35 प्रोग्राम डेली करता हूँ, मैं चौधरी देवीलाल जी की नर्सरी में तैयार हुआ हूँ। बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, ड्रामा ड्रामा, अनुसूचित जाति के लिए जिस तरीके से करेगी, सबका साथ अर्नुका हमारी जेब के पास कुछ नहीं है, क्या है कागजी, कागजी बिना फ्रेम का रंगीन चश्मा चढ़ा करके, आर्टिफिशियल चीफ मिनिस्टर है नैब सैनी, आर्टिफिशियल चीफ मिनिस्टर है, जचते ही नहीं के चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर आंख मिला के बात ना करे तो अफसोस है, आपकी आंखों के बीच में काला है ना, और मेरी आंखों के बीच में काला है, आपको दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई दे रहा, वैसे ऐसे करता है, कभी आंख नहीं बढ़ाता इसे। नैब सिंह सैनी तो बात करते कि जितना काम मैंने 56 दिन में किया इतना भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में नहीं किया, मुझसे क्या कहलवाना चाहते हो? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल चीफ मिनिस्टर है, पटल पे तो कुछ नहीं, पटल पे कुछ हो तो बताओ, देखा बिना खर्ची बिना पर्ची की नौकरी, सब ड्रामा है, नौटंकी है, नौटंकी है, नौटंकी छलावा है, देख लेना आप 8 तारीख को सबसे पहले हार के जाएगा वो, जैसे पहलवान जो है ना चित होने के बाद ना पीछे मट्टी झाड़ता जाएगा, ऐसे भागता जाएगा, 11-12 बजे उसके लड्डू बढ़ जाएंगे हार के। आप अपने समाज के लिए क्या संदेश लेके आए? मैं अपने समाज के लिए कहने के लिए आया हूँ, सबसे बड़ी वफादार कौम वाल्मीकि है, जवान के प्रतीक है, मैं अपने भाइयों को कहने के लिए आया हूँ कि राकेश कम्बोज को एक वोट देने का काम करें, और कल मैं 20 गांव में जाऊँगा, आप जरा नोट करें लिखें, तो मैं 20 पॉइंटों पर जाऊँगा, मैंने जो है ना टेलीफोन पे ही 20 प्रोग्राम तय कर दिए, और अब मनोज को डिक्टेशन दे के जाऊँगा कि इनकी वाल्मीकि कार्यकर्ताओं के हर प्रोग्राम में ड्यूटी लगा देंगे कि इतने उन गांव में मैसेज दे के आएंगे, और उन गांव में फला फला कार्यकर्ता मैसेज दे के जाएगा, मैं कल 20 गांव में जाऊँगा। अच्छा, विशंबर वाल्मीकि जी अभी पहुँचे थे, उन्होंने भी 2-3 गाँव का दौरा किया, क्या कहेंगे? कोई कहाँ पहुँचे हैं? कलसोरा में आए हैं। जैसे आप किसकी सपोर्ट में? वो राम कुमार कश्यप किस वोट में आए जो बीजेपी से प्रत्याशी है?
आप ये पूछना चाहते हो, मुझे अच्छे पत्रकारों से वार्तालाप होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है इस देश के अंदर, इस समाज के अंदर, इंडिया के अंदर। कोई फुकवे का इलाज बता दो जो 60+ फुक जाता है, क्या वहाँ चमड़ी आ जाएगी? बताइएगा, आ जाएगी चमड़ी? अरे फुक चुके हैं पत्रकार बंधु, बीजेपी फुक चुकी है, जल चुकी है, आउट हो चुकी है। राजनीतिक करियर आपका बहुत लंबा रहा है, बहुत उतार चढ़ाव देखे होंगे, तो इस तरीके के जो शासन रहा है बीजेपी का, हाँ, कितना सहमत आप इससे? मैं 0 नंबर भी नहीं देता, 0, 0/0। हिंदू संस्कृति ये कहती है कि आंखों से शर्माती है, जवाब से शर्माती है, कहने से शर्माती है, उन्हें स्टाम्प देने की जरूरत नहीं, स्टाम्प पे कोई बयान देने की जरूरत नहीं। हमारी हिंदू संस्कृति कहती है, जबान होती है कि हम ये दे देंगे आप लोगों को। हमने जबान दी है, हमने जबान दी है कि हम हमने जबान जबान दी है कि हम सबको 2,000 रुपये देंगे, घर में काम करने वाली, किचन में काम करने वाली महिला को हम 6,000 रुपये, बुजुर्गों को पेंशन देंगे, अमानतों को पेंशन देंगे 6,000 रुपये, हम विधवाओं को 6,000 रुपये पेंशन देंगे, हम 500 रुपये का गैस सिलेंडर देंगे, हम जो है ना मरीज को, बीमारी को, बीमारिया बीमार आदमी को 25,00,000 रुपये तक का इलाज फ्री करेंगे, अपने पर गवर्नमेंट पे करेगी। हमने कहा किसानों को समृद्ध बनाने के लिए हम MSP की गारंटी, तत्काल फसल मुआवजा देने की बात करेंगे, हम पक्की बात कह रहे हैं, और हम गरीबों को छत के लिए 100-100 गज के प्लाट देंगे, हम प्लाट मकान में बदलने के लिए 3,50,000 रुपये पैसा देने का काम करेंगे, हमारी गारंटी है ये छाप देना। बीजेपी कहती थी कि किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा, और किसान आज सड़कों पे बैठा हुआ है, आज भी किसान सड़कों पे बैठे हुए हैं। सड़कों पे सड़ रही है, अगर हाथ डेहरियों में मारे गैस हो गई है, गैस गैस गैस, अगर ये बैठे हैं तो कहीं बिक रही है तो बिक रही है, चो नहीं रही नहीं, 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 नहीं। बोलो पूछो, देखो मैंने तो सताया नहीं इनको, और ऐसे बात करते हैं बीजेपी के समय में कर्मचारी जैसे मुलजम हक, जैसा हक्कम मुलजम से बात करता है, कहाँ के उठा रही है? आप हमारे बीच में से हो, विदेश से तो आए नहीं हो। अभी विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, ऐसे में बीजेपी से प्रधानमंत्री गृह मंत्री आ रहे हैं, कितना फर्क मानते हैं कोई चुनाव पर पड़ेगा? जब कोई पल्ला कुछ नहीं रहा तो कोई आ जाए, कोई आ जाए। स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस आ रही है, आपका कहना है स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस आएगी? स्पष्ट बहुमत से नहीं, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से भी ज्यादा, एब्सोल्यूट मेजोरिटी से ज्यादा। टक्कर किस किसके बीच मानते हैं? मेरा तो ख्याल है कोई टक्कर नहीं है, कोई टक्कर है ही नहीं, कौन कहता टक्कर है, एक तरफा चुनाव है, यहाँ पर टक्कर है, उम्मीदवार अब जरा दुश्मन ना उसका डर नहीं, मित्र ना उसका भले की उम्मीद नहीं। मुंह से बड़ी बात नहीं करना चाहता, मेरे से टेलीफोन पे अभी SHO से बात कराओ, उसको पता लगेगा कौन बात कर रहा है, और इस MLA से बात करा लो जो पता ही लगे किसी ने, मैं जो सरकार का तर्बी है। तो क्या लगता है बीजेपी ने जिस तरीके से रामकुमार कश्यप को दोबारा मैदान में उतारा है? मेरा तो ख्याल आप जची नहीं बात, शरीफ आदमी है, कमजोर आदमी, राजनीति दबंग आदमी की है, राजनीति बंताराम वाल्मीकि जैसी की है, या राकेश का मुंह जो कितना बढ़िया, पुलिस की परवाह नहीं करी थी बात कहने से, चाहे पुलिस की लाठियां बरस की थी पर अपनी बात कही, चुके नहीं, मर्द छोरा मर्द। तो कल राकेश कंबोज के लिए आप प्रचार करेंगे इंद्री में? आप प्रचार की बात करेंगे, मैं जताने की गारंटी लेता हूँ, 100 रुपये का स्टाम्प अभी ले आओ, अगर वो इसको हरा दे, ये बनता राम की स्टेटमेंट है, मैं जताने का हिम्मत रखता हूँ, मेरा समाज, मेरा समाज 100% वोट देगा उसको।
और जो विशंबर वाल्मीकि आया है उसको कह दूंगा अपना बिस्तर बांध के वापस चला जा। नेता हूं मैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं अखिल भारतीय वाल्मीकि महासभा का, इतना कहने का भी दम रखता हूं। और क्वेश्चन कीजिए आप। इंद्री की जनता से क्या अपील करेंगे? ये कमोज नंबर एक बार काम करने में, नंबर एक पे कमोज आता है, नंबर दो पे सैनी आता है, नंबर तीन पे सरदार आता है, नंबर चार पे जाट आता है, नंबर पांच पे ये आता है रोड, नंबर छः पे गुजर आता है, नंबर सात पे राजपूत आता है। नंबर एक पे काम करने वाली जाति को पता है कि किसान के कितने दुख दर्द है। मैं धन्यवाद करता हूँ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, जिन्हें बहुत बड़ी अच्छा उम्मीदवार दिया, मैं उसके लिए सपोर्ट करने के लिए आया हूँ, छत्तीस बरादरी के लोगों को हवाला करने के लिए आया हूँ। सर क्या कहेंगे कुमारी शैलजा कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार में दिखने नहीं? कौन कहता है? नारायणगढ़ में थी कल, परसों नारायणगढ़ में थी, और यहाँ हर जगह अम्बाला घूमी, जो उसका क्राइटेरिया जो उसका एरिया में आई है। कौन कहता है? एक अपशब्द को लेकर के बीजेपी ने जो है तूल पकड़ी है उसको लेकर। कोई किसी ने अपशब्द नहीं बोला आज मुझे। अरे भाई मेरे को ये बताओ किसका बेटा और किसका पोता किसके कब्जे में हो? क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसी, अगर मेरी जात का आदमी कोई किसी के साथ लड़ाई करे क्या उसका खमैजा बनता रहा वाल्मीकि भुगतेगा क्या? अगर किसी जाट ने अनपढ़ मोलर ने कुछ कह दिया तो हुड्डा साहब ने कहा शैलजा मेरी बहन है और जो ऐसी गलती करेगा हम माफ नहीं करेंगे उसको। बड़ी बरादरी है, मेरी भी बड़ी बरादरी है। मनोहर लाल खट्टर तो कह रहे कि बीजेपी में आने के लिए बातचीत हो रही है। मनोहर जी, मनोहर लाल खट्टर के बारे में मैं इसलिए नहीं कहना चाहता, वो तो बेचारा मैदान से ओटी जैसा है, ना का उसे दोस्ती ना का उसे बैर। ये बयान मुझे जचा नहीं उसका भी। शैलजा कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के बराबर की नेता है और हुड्डा साहब इतने तहजीब से तमीज से उसको बहन कहता है, आपस में उनका मेल है, घर घर में कंपटीशन है भाई भाई में, थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्या है इसमें? टिकटों में कोई ज़्यादा मांगा है कोई थोड़ी मांगा है, उसको ज़्यादा मिलेगी उसको थोड़ी मिलेगी, लेकिन नेता तो बराबर हैं वो। कितनी सीटें आप रहे हैं हरियाणा में? मैंने 65% कह तो दिया, 65 सीटें, 100 रुपये का स्टाम्प ले लो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। मैं पत्रकार बंधुओं के सामने कह रहा हूँ, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के बार बार कितने बार करूँ मैं यही बात बोलूँगा।